हाय बच्चा लोग, मैं स्वाति मिस। कैसे हो? अच्छे होगे? ओके, चलो आज मैं मराठी व्याकरण में का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेना चाहती हूँ आज, जो है शब्दांचा जाति। ओके, तो शब्दांचा जाति में पहले जो वर्ड आता है वो है शब्द। आपको मालूम है हमारे लाइफ में वर्ड्स की कितनी इम्पॉर्टेंस है। ओके, वर्ड्स के इम्पॉर्टेंस के साथ पहले भी हम लोग ने वर्ड्स के यूज़ कैसे करते हैं वो देखा है। इसके लिए मैंने आज शब्दांचे जाति, ये मराठी ग्रामर में का एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए चूज किया। म्हणजेच मी मराठी व्याकरणातील शब्दांचा जाती हा एक टाइप आपल्यासमोर आज आपल्याला आज शिकवणार। त्यासाठी स्टार्टिंगमध्ये, उसके लिए स्टार्टिंग में देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पहले मराठी में पढ़ूंगी, देन मैं आपको हिंदी में ऑलवेज हर सेंटेंस के बाद एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आपण दैनंदिन जीवनात अनेक वाक्य बोलत असतो, मतलब हम लोग डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं आणि त्यावेळेस वाक्यात वेगवेगळे शब्द येत असतात। उसी दौरान हम लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, तसेच त्या वेगवेगळ्या शब्दांचे वाक्यात वेगवेगळे कार्य असते। कार्य माने बच्चा लोग कि उसके यूजेस है, कि हम लोग जैसे वर्ड्स यूज करते हैं सेंटेंस में वैसे ही उसके यूजेस भी बहुत अलग रहते हैं। मतलब अगर आप लोग को वर्ड्स का मीनिंग एग्जैक्टली पता नहीं होगा तो हम लोग वो सेंटेंस में यूज नहीं कर पाए। दैट्स वाई आणि त्या कार्यावरूनच तो उसके यूजेस के हिसाब से ही हम लोग ने उसको अलग अलग नाम दिए है। माने यालाच व्याकरण शब्दांचे भेद किंवा शब्दांच्या जाती असे म्हणतो। मतलब हम लोग वर्ड्स जो सेंटेंस में यूज करते हैं उनके यूजेस के हिसाब से हम लोग ने उसको अलग अलग नाम दिए हैं, उसको बोलते हैं शब्दांच्या जाती। ओके, जो मेन पार्ट है हमारा वो है शब्दांच्या जाती। उसमें दो मेन टाइप्स आते हैं और उसके बाद वो मेन टाइप्स के अकॉर्डिंगली हम लोग वो टाइप को अलग और आठ टाइप्स में उसको डिवाइड करेंगे। म्हणजे आपल्याला शब्द पहिल्यांदा दोन महत्त्वाच्या टाइप्समध्ये विभाजन करायचं आहे आणि नंतर उसके अकॉर्डिंगली, मतलब त्याच्या अंतर्गत आपण त्याचे वेगवेगळे भाग बघू। शाल वी स्टार्ट? ओके, शब्द सव्यय विकारी शब्द, अव्यय अविकारी शब्द। ओके, वो मैं अलग अलग एक एक हिस्सा करके आपको वो समझाऊंगी। देखो, सव्यय के अंडर नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। अव्यय अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योगी अव्यय, उभयानवी अव्यय, केवल प्रयोगी। सबसे पहले हम लोग सव्यय से स्टार्ट करेंगे, मतलब विकारी शब्द। अभी तुम लोग बोलो कि विकारी शब्द माने, मैंने पहले भी बोला था आप लोग को कि जे शब्द वापरताना काळ, लिंग, वचन, विभक्ति यांच्यानुसार बदलतात त्यांना विकारी शब्द म्हणतात। मतलब हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं, विकारी जो शब्द है उसमें हमेशा एक तो काळ मतलब टेंस, लिंग मतलब जेंडर, वचन मतलब सिंगुलर प्लुरल्स और विभक्ति, इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली वो चेंजेस होते हैं। इसके लिए उसको विकारी शब्द बोलते हैं। विकारी शब्द म्हणजे त्या शब्दांमध्ये नेहमी वाक्यात बदल होत जातो। त्यातला पहिला प्रकार आहे, उसमें से पहला पार्ट है, जैसे मैंने उसके एग्जाम्पल्स में दिया नाम, सर्वनाम। तो एग्जाम्पल सुन, जैसे मैंने बोला कि सीता शाळेत जाते, तो क्या है सीता? जेंडर क्या है? वो स्त्रीलिंगी है। मतलब क्या कि वो जाते। और जैसे मैंने बोला कि राम शाळेत जातो, देखो नाम था पहले सीता, फिर नाम हो गया राम, क्रिया सेम रह गई लेकिन हमारे क्रियापद चेंज हो, म्हणजे आपल्या क्रियापदामध्ये चेंज झाला त्या शब्दामध्ये। म्हणूनच मी पहिले सांगितलं, मग लिंग असो, काळ असो, वचन असो, त्यानुसार त्या वाक्यांमध्ये बदल होत जातात। अभी विकारी शब्दांचे अंडर चार अलग टाइप्स हैं। ओके, पहला वर्ड नाम। नाम माने देखो, हम लोग लिविंग थिंग्स ले लो या नॉन लिविंग थिंग्स ले लो, एयर अपने को दिखता नहीं, परी हमने देखी नहीं, राक्षस भी हमने नहीं देखा, फिर भी हम लोग ने उसको पर्टिकुलरली नाम दिए हैं, उनको हम लोग पहचानते हैं। ओके, इसके लिए उसका डेफिनेशन होगा, त्याची व्याख्या अशी होईल, एखाद्या व्यक्तीला, वस्तूला, स्थानाला
प्राणायाम, मतलब एक पर्सन को, एक थिंग्स को, अलग अलग प्लेसेस होते हैं, फिर हमारे एनिमल्स होते हैं उनको एक बोलते हैं ना कि नाम दिया जाता है, नाव म्हणजेच नाम, उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उनको ही नाम असे म्हणतात। देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोग को एक दो एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए मैंने पहले दिया है मीना, घर, परी, हिमालय, ये हम लोग ने हर चीज़ को पर्टिकुलरली अलग अलग नाम से पहचानते हैं, इसके लिए तला मराठी नाम असे म्हणतात। सिंपल लैंग्वेज में नाम माने नाव, ओके। दूसरा प्रकार है सर्वनाम। देखो कैसा होता है, बार बार हम लोग मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि मैं एक बायोग्राफी सुनाती हूँ आपको और देखिए वो दोनों बायोग्राफी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने महात्मा गांधी जी का एक बायोग्राफी पढ़ने के लिए, तो पहला वाला एग्जांपल ऐसा होगा कि महात्मा गांधी हे थोर, महात्मा गांधींचं पूर्ण नाव मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी नेहमी खादीचा वापर करतात, महात्मा गांधी हे सगळ्यात मोठे आप सोशल वर्कर होते, ओके। मग ह्याच्यामध्ये सतत मी महात्मा गांधी वापरल्यानंतर ते इरिटेशन व्हायला लागतं, पण मी जर तीच बायोग्राफी अशी वाचली की महात्मा गांधींचे संपूर्ण नाव मोहनदास करमचंद गांधी, ते नेहमी खादीचा वापर करत, ते देशासाठी त्यांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान, बघा ते त्यांनी, ये रिपिटेशन नाही हुआ, दॅट्स वाय मैंने उसका डेफिनेशन ऐसा लिखा आहे नामाच्या ऐवजी, ऐवजी माने बदली, बदले में येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, नाम के बदले में जो जो बार बार हम लोग यूज़ करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। उदाहरणार्थ तो, ती, आपण, तिने, त्यांनी, ओके। नेक्स्ट विशेषण, अभी पहले हम लोग ने देखा नाम क्या है, नाम के बदले में यूज करते वो सर्वनाम, बट अगर नाम भी होता है सर्वनाम भी होता है लेकिन उसके लिए हम लोग को उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो है विशेषण, कि नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात। फॉर एग्जाम्पल मी जर म्हटलं राम मुलगा आहे तर उसमें क्या समझ में आ रहा है कि राम एक लड़का है, बट कोई अदर एक्टिविटी नहीं है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन मैंने अगर ऐसा बोला राम हुशार मुलगा है तो क्या समझता है, राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, म्हणून नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात, आणि त्याची उदाहरणं हुशार, सुंदर, उंच इत्यादी। नेक्स्ट वन क्रियापद, वाक्यातील क्रिया दर्शवणाऱ्या शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात, ये सेंटेंस में का सबसे इम्पॉर्टंट पार्ट है, अगर हम लोग को एक्शन ही नहीं समझेगा तो हम लोग वो नाम हो सर्वनाम हो विशेषण हो उसके बारे में हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले नाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था कि राम शाळेत जातो, पण मी म्हटलं राम शाळेत करणारे का नाही, म्हणून जातो, बसतो, उठतो, लिहितो, वाचतो, अजून लिहिणे, धावणे, करतो, ये सारे जो वर्ड्स है वो ऍक्शन वर्ड्स है, इससे हम लोग को ऍक्शन क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, कब हुई है, वो सब पता चलता है। तो पहला पार्ट हम लोग ने कंप्लीट किया है जो था विकारी शब्द, उसमें हमने नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, ये चार है, और उनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि वो लिंग, विभक्ति, वचन, काल, इसके हिसाब से उनके सेंटेंस में चेंजेस होते रहे, ये हमेशा ध्यान में रखना, विकारी है तो उसमें चेंजेस होंगे, ओके। दूसरा वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कि उसमें ना किसी चीज़ से कुछ भी चेंजेसेस नहीं होते, जैसे वो अव्यय रहते हैं वैसे ही यूज़ किए, जैसे अस्तार तसेच वापर ले जाता है, अविकारी अव्यय शब्द, अविकारी म्हणजेच अव्यय, माने जैसे मैंने बोला उसमें किसी ही वजह से चेंजेस नहीं होते, दैट्स वाई उसका डेफिनेशन है, हे शब्द वाक्यात वापरताना लिंग, वचन, काळ यामुळे कोणतेही बदल होत नाही, म्हणून या शब्दांना अविकारी म्हणजे अव्यय असे म्हणतात। त्याचे उदाहरणसुद्धा क्रियाविशेषणाने शब्दयोगी दिलं, मतलब उसके जो पार्ट्स आहे
उसके वही एग्जांपल्स है जो पार्ट्स अब मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि किसी भी चीज़ से उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके देखो, और हाँ ये चार पार्ट्स मैं जब एक्सप्लेन करूँगी उसके साथ मैंने ना उसके कीवर्ड्स दिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको वो समझ में आएंगे। पहला वाला पार्ट क्रिया विशेषण अव्यय, ये फर्स्ट टाइप है जिसको मैंने कीवर्ड दिया है एक्शन वर्ड्स, मतलब सेंटेंस में आपको बहुत इजीनेस से समझ जाता है कि कौन सा वाला वर्ड एक्शन वर्ड है। दैट्स वाई उसका डेफिनेशन क्रियापदाविषयी अधिक माहिती देणाऱ्या शब्दाला क्रिया विशेषण असे म्हणतात, मतलब जो एक्शन चल रहा है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल हळुवार दिया है, सेकेंड वेगाने, थर्ड दिया है आज। देखो कि वेगाने, गाड़ी वेगाने धावते, ओके आणि गाड्या वेगाने धावतात। पहले गाड़ी मैंने सिंगुलर यूज़ किया है, गाड़िया मैंने प्लुरल यूज़ किया है, लेकिन वेगाने पे कोई भी असर नहीं हुआ, वेगाने चेंज नहीं हुआ। और एक एग्जांपल देती हूँ, आई आज पुण्याला जाणार आहे, बाबा आज पुण्याला जाणार आहे। आई आणि बाबा ये दोनों जेंडर मैंने चेंज किए, लेकिन आज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अभी समझा, ना ही लिंग, ना ही वचन, ना ही काल, इससे इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो क्रिया विशेषण माने एक्शन वर्ड, जिससे तुमको एक्शन, हळुवार मतलब स्मूथली, वेगाने मतलब फास्ट, आज मतलब आज, समझा। आगे शब्द योग्य जिसका कीवर्ड मैंने दिया है जॉइंट वर्ड। जॉइंट वर्ड माने ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, जो शब्द को बिल्कुल भी लग के आने वाला वर्ड है तो उसको जॉइंट वर्ड्स कहते हैं। जे शब्द नाम सर्वनाम यांना जोडून येतात त्यांना शब्दयोगी अव्यय म्हणतात, मतलब जो वर्ड हम लोग को नाउन और प्रोनाउन के साथ मिले हुए मिलते हैं उनको शब्द योग्य अव्यय में। मैंने देखो उदाहरण क्या दिया, पुस्तका वर झाड़ा खाली। अभी देखो इसमें भी किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ा, मैंने ऐसा बोला पुस्तक 10 रुपये आहे, अभी तुमको समझ में आ रहा है किधर है, नहीं है, तो मैंने क्या लिखा पुस्तका वर 10 रुपये आहे, तो उसको तुम लोग को उसका प्रॉपरली उसका सिचुएशन समझता है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। दैट्स वाई ज़्यादा दिमाग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जॉइंट्स वर्ड्स है वो जॉइंट होके ही आते हैं, पुस्तका वर झाड़ा खाली और झाड़ाचा वर पुस्तका खाली, नदी समोर नदीच्या मागे। ओके अभी तीसरा वाला पार्ट, तीसरा वाला पार्ट है वो आपको पहले से ही वेल नोइंग है और अच्छे से समझ भी पाओगे, वो है उभयान्वयी अव्यय, म्हणजे कंजंक्शन वर्ड। कंजंक्शन वर्ड बच्चा लोग कि जब हम लोग दो वर्ड्स है, दो सेंटेंस है, उनको प्रॉपरली जॉइन कर पाते हैं, जिनको दो वर्ड्स को दो सेंटेंस को हम लोग प्रॉपरली जॉइन कर पाते हैं उनको उभयान्वयी अव्यय। म्हणजेच मराठी त्याची वाक्या त्याची डेफिनेशन, दोन शब्द दोन वाक्य यांना जो शब्द जॉइन करतो त्या शब्दाला उभयान्वयी, जो शब्द दोन शब्दांना किंवा दोन वाक्यांना जोडतो त्या शब्दाला उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात। अभी देखो पहला उदाहरणार्थ मैंने क्या क्या दिया, आणि व किंवा अथवा कारण पण म्हणून, मतलब तुम लोग दो सेंटेंस दो वर्ड्स जिससे भी जॉइन करोगे इन सारे वर्ड्स में से तो उसको उभयान्वयी अव्यय कहा जाएगा। राम आणि श्याम दोगे मित्र आहेत, देखो मैंने बोला सर राम श्याम मित्र है तो कुछ भी उससे एग्जैक्टली मीनिंग नहीं आता, तो आणि मतलब दो अलग पर्सन्स हैं लेकिन वो फ्रेंड्स हैं। मैंने ये और एक सेंटेंस बताती हूँ और एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आई बाजारात गेली कारण तिला भाजी घ्यायची होती, दो सेंटेंस है, एक तो मम्मी बाजार में गई है क्योंकि उसको भाजी लेने की या सब्जी लेने की, तो दो सेंटेंस को कारण की वजह से प्रॉपरली जॉइन। आज अपन घरी आहोत कारण लॉकडाउन है, ओके समझा। नेक्स्ट वर्ड केवल प्रयोगी अव्यय,
इसका कीवर्ड है, ये मैंने जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क किया है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, कि जहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है एक्सक्लेमेशन, देखो जहाँ पे एक्सक्लेमेशन आप देखते ही हो तो तुरंत समझ जाते हो कि हमारे एक्सप्रेशंस वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके लिए मैंने डेफिनेशन बनाया है, मनातील भाव भावना व्यक्त, मनातील भाव भावना व्यक्त करण्यासाठी आपण जे शब्द वापरतो त्यांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। मतलब हम लोग अपने मन की जो फीलिंग्स रहती है वो इन बोलते ना कि विद इन वन वर्ड्स हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग किसी, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो मैं आपको बोलते ना एनकरेजमेंट देने के लिए अरे वाह, ऐसा भी बोला तो भी आपका सेटिस्फैक्शन होता है और मुझे भी अच्छा लगे। तो मैंने वन वर्ड में आपके बोलते ना कि आपने जो काम किया है उसको एनकरेजमेंट दी है, दैट्स वाई वन वर्ड को हम लोग बोलते हैं ना कि वन वर्ड में हम लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए केवल प्रयोगी अव्यय, ये लास्ट वाला टाइप था जिसमें मैंने एग्जांपल्स दिए, अरे रे, बाप रे, वाह इत्यादि। होप सो आपको ये दो मेन टाइप्स और उसके जो अलग अलग 8 टाइप्स हैं वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसको बार बार देखेंगे, जो मैंने आपके लिए वीडियो निकाला है वो बार बार देखेंगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।